हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मनी साइबर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स, जिसे हिंदी में भौतिकी कहते हैं, उसका क्वेश्चन। यदि किसी आवेश के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल कितने गुने हो जाएंगे? 4 गुने। ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर है, यानी पहले का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चालक पदार्थ में बने असीमित आवेश पतली चादर के सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। यानी ये एक डेरिवेशन आप निकालेंगे, ई इजक्वल टू, क्या निकालेंगे? ई इजक्वल टू सिग्मा, ठीक है, इसे सिग्मा कहते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होगा। W को कार्य कहेंगे, कार्य इज इक्वल टू P, जिसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र और कोष में 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये ऑप्शन में रहेगा आपका। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ देने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रो फैराड होता है। यदि उन समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता क्या बनेगा? यदि उसे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 6 माइक्रो फैराड की धारिता बनता है, तो उसे समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता क्या बनेगा? तो 54 माइक्रो फैराड बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बड़े इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। एक समांतर पट्टी का संधारित्र के पट्टियों के बीच अभ्रक, ठीक है, अभ्रक एक तत्व है, अभ्रक के एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता में क्या परिवर्तन हो जाएगा? उसकी धारिता में क्या परिवर्तन हो जाएगा? उसकी धारिता बढ़ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 50 माइक्रो फैराड धारिता वाले एक संधारित्र में 10 वोल्ट विभव प्रवाहित कर तक अभीष्ट किया जाता है, तो उसके बीच की ऊर्जा क्या होगी? 2.5 × 10³³ जूल। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 2 माइक्रो फैराड तथा 4 माइक्रो फैराड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा उसके चरम सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर अभीष्ट किया जाता है। 2 माइक्रो फैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा? विभवांतर कितना होगा? 800 वोल्ट, ठीक है, विभवांतर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी समांतर पट्टी के संधारित्र के 2 प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा घनत्व कितना होता है? 1/2 εo × इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। क्या है? ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ध्रुव का परिमाण किस पर निर्भर करता है? ध्रुव के गति ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा दोनों पर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? प्रवैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रवैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट पर मीटर, इसका मान कितना होता है? 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये वही वाला सेम है, यही ड्राई शुल्क का मान होता है 3×10⁶ में, यही वाला पता है इसका मान होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि एक विद्युत द्विध्रुव के 2 विपरीत आवेश से बना, उसका परिमाण कितना होता है? सॉरी, ये क्वेश्चन गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 13। अभीष्ट अभीष्ट खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कितनी? शून्य होती है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट। अभीष्ट खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, ठीक, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि समरूप क्षेत्र एक्स एच की दिशा में हो तो विभवांतर है समविभव का दिशा होगा, यदि एक्स एच का है तो वाई जेड होगा, यदि समरूप क्षेत्र वाई एच का है तो जेड एक्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, यदि एक्स एच कहेगा तो वाई जेड होगा, आंसर वाई जेड, तल के तरफ। कूलाम बल का, कूलाम बल है क्या है, विद्युतीय बल और केंद्रीय बल दोनों, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सदिश राशि है? आवेश, धारिता, विभव, विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिए, विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है, विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है बल प्रति न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट पर मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विद्युत आवेश क्वांटम इक्यू मान होता है, ठीक है, 4.78 × 10⁻¹⁰ इक्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.08 × 10⁻¹⁰ कूलाम प्रति केजी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, समरूप वेग से चलायमान चल रहा है, चलायमान मतलब जहाज चल रहा है, तो वो उत्पन्न करेगा, क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि इस साल क्वेश्चन आने का संभावना है, एल लंबाई भुजा वाले घन के केंद्र पर क्यू आवेश स्थिर है, घन के किसी एक पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स क्या होगी? Q/6 epsilon naught क्या है? Q/6 epsilon naught। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 24 क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखिए, देखिए एक गोले आवेश 10 AC हो तो सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा? 3.6 × 10⁴ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 25, यदि गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ पर निकलने वाली विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? Q/ε₀, आंसर क्या होगा? Q/ε₀। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य, ठीक है, मध्य से r दूरी पर कोई बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य, ठीक है, r दूरी पर कोई आवेश q रख दिया जाता है तो उसके बीच की दूरी कितना के समानुपाती होता है? कितना के समानुपाती होता है? 1/r³ के समानुपाती होता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या है, ई से दर्शाते हैं, तथा विद्युत विभव भी के बीच संबंध क्या होगा? दोनों के बीच संबंध क्या होगा बताइए? E = -dV/dr या dV = -dV×dr, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, किस संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? फराडे। बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI आप लगा लीजिए इस पर, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक फराडे होता है।
और एक फैराडे का मान कितना होता है? 96,500, 96,500। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, बी धातु का प्रवाहकत्वांक नियतांक होता है अनंत। धातु का प्रवाहकत्वांक नियतांक होता है अनंत। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए हैं कितना, 30। केवल स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फ्री स्पेस निरपेक्ष प्रवाहकत्वांक का मान होता है 8.854 × 10^-12 फैराडे मीटर इनवर्स। ठीक है, 8.854 × 10^-12 फैराडे मीटर इनवर्स। अब देखिए क्वेश्चन, एप्सिलॉन नोट का मात्रक तथा बीमा का मान कितना होगा? एप्सिलॉन नोट का मान ये हो, ये वाला ऊपर वाला एप्सिलॉन नोट का मान है, ठीक है, और इसका बीमा होता है m-1 L3 -t4 और a2। ठीक है, और देखिए एक स्टेटिस कूलम कितने कूलम के बराबर होता है? 1.1/3 × 10^-9 कूलम। अब क्वेश्चन नंबर 34, इलेक्ट्रिक फील्ड तथा विद्युत द्विध्रुव के बीच विद्युत आघूर्ण कितना होगा? विद्युत आघूर्ण इंटू आई क्रॉस है, बीच में क्या है? क्रॉस, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन 25-35 देख लीजिए, भिन्न त्रिज्या वाले दो गोले पर समान आवेश हो तो विद्युत विभव क्या होता है? छोटे गोले पर बहुत अधिक विद्युत विभव होता है। ठीक है, इसी के साथ अपने क्लास को समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।